What's up everybody, myself Rith and you are watching Janardan Talks Officials and आज का वीडियो अगेन होने वाला है कुछ खास कुछ डिमांडेड वीडियोस, क्योंकि इस बार होली में आप अपने स्किन और हेयर को कैसे केयर करें, कैसे बचाएं, इन सब के बारे में मैं कुछ टिप्स शेयर करने जा रहा हूँ। सो लगे रहिए वीडियो के एंड तक एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो विदाउट एनी फर्दर एडो। रंग जमे तो एक्सटर्नली नहीं, इंटरनली रंग जमे तो दिल में। तो पहले बात करते हैं, आप होली खेलने जाने से पहले क्या करें ताकि आप अपने स्किन को, हेयर्स को, नेल्स को, ईयर्स को बचा सके, ताकि वो रंग पकड़ ना ले, वो रंग महीनों तक रह ना जाए। तो इसी के लिए मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो है हेयर ऑयल। आप अपने हेयर में अच्छे से हेयर ऑयल लगा लेना, हेयर ऑयल इन द सेंस कोकोनट ऑयल। आप अच्छे से हेयर पे ऑयल अप्लाई कर लीजिए, मतलब एकदम चंपू जैसा मत हो जाइए, मतलब एक हल्का सा कोटिंग डाल लें आपके हेयर पे ऑयल का, ताकि रंग जो आपके हेयर पे आएगा वो बैठ ना जाए। सेकंड पॉइंट आ गया सनस्क्रीन। अब आप ये ना सोचे कि बाहर हम लोग जाएंगे होली खेलेंगे मतलब टैन नहीं, आप जाएंगे लेकिन सनस्क्रीन अप्लाई करने के बाद जाएंगे, ताकि आप होली तो खेलेंगे ही उसके साथ साथ टैन भी ना पड़े एंड घर आके आप जब अपने मुंह को धोएंगे तब सनस्क्रीन के साथ साथ होली भी निकल जाएगा एंड रंग भी नहीं पकड़ेगा। अब थर्ड पॉइंट आ गया, जैसे आप अपने चेहरे को टैन से बचाएंगे वैसे ही आप अपने हाथों को भी टैन से बचाएंगे। कैसे? आप जो शर्ट, टी शर्ट या फिर कुर्ता कुछ भी आप लोग पहन लो, लेकिन फुल स्लीव्स ही पहनना, ताकि आपका आर्म्स, आपका जो एक्सपोज पार्ट है हाथ के, वो सारे ढक जाए एंड टैन से भी बच जाए। अब फोर्थ पॉइंट आ गया बॉडी ऑयल। आप आपका जो सब एक्सपोज पार्ट है, जैसे कि कुर्ता मैंने अभी पहना है लेकिन मैंने स्लीव्स को रोल अप किया है, तो ये पोर्शन एक्सपोज है, नेक एक्सपोज है, तो इन सब पार्ट्स में क्या करें, तो इन सब पार्ट्स में अप्लाई कीजिए बॉडी ऑयल एंड वो भी कोकोनट बॉडी ऑयल, ताकि आप जब उसको रिमूव करेंगे आपके बॉडी में कुछ हार्ड्स या फिर हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा, इजीली आपके स्किन से रंग उतर जाए। फिफ्थ पॉइंट आ गया लिप बाम। लिप बाम लिप्स पे तो अप्लाई करेंगे, इसके साथ साथ उसको आप लोग ईयर्स के पीछे भी अप्लाई करना, ईयर्स में भी अप्लाई करना, ताकि इन सब जगह में जब रंग लग जाए तो उसको उठाने में, उसको मतलब उस रंग को हटाने में ये बहुत हेल्प करता है। तो लिप बम लिप्स पे भी यूज़ करना है, ईयर्स पे भी यूज़ करना है एंड ईयर्स के पीछे भी यूज़ करना है। एंड जो सिक्स पॉइंट है वो है आपका क्यूटिकल्स, मतलब नेल्स के ऊपर जो रंग जम जाता है, जो उठता नहीं है, उससे आप अपने नेल्स को कैसे प्रोटेक्ट करें। तो जब आप लोग होली खेलने निकलेंगे उससे पहले आप जो कोकोनट ऑयल है उसको अच्छे से आप अपने क्यूटिकल्स पे रब कर ले, मसाज कर ले मिनिमम 5 मिनट्स तक। जब क्यूटिकल्स वो कोकोनट ऑयल को सोक कर लेगा, उसके बाद अगर उसके ऊपर रंग भी गिरे वो हट जाएगा। एंड जो लोग लड़कियां हैं उन सबको मैं रिकमेंड करूँगा कि वो लोग नेल पॉलिश पहन ले, उसके बाद कोकोनट ऑयल भी अप्लाई कर ले, ताकि उनके नेल्स पे भी रंग ना जमे। अब जो लोग होली खेल के आ गए, मतलब यहाँ तक जितना भी मैंने 6 पॉइंट्स बताए वो होली खेलने से पहले, लेकिन अब आप लोग होली खेल के आ गए, अब क्या करें? तो पहले आप रंग को अपने हेयर से कैसे हटाएं, मतलब आप लोग तो हेयर ऑयल अप्लाई किए थे, अब उसको हटाना कैसे? अब देखिए आपके पास एक ऑप्शन है शैम्पू कंडीशनर, ताकि आपका हेयर स्मूथ हो जाए एंड रंग भी उतर जाए, सब ठीक है। लेकिन अगर आप लोग कोई होम रेमेडी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक हेयर मास्क आप लोगों को रेडी करना पड़ेगा, जिसमें रहेगा दही, लेमन जूस एंड कोकोनट ऑयल। इसको मिक्स करके आप एक बोल पे रेडी करके रख दीजिए, उसके बाद नॉर्मल पानी से आप अपने बालों को धो लीजिए। धोने के बाद उसको टॉवल ड्राई करके वो जो मास्क आप रेडी किए थे उस मास्क को लेकर ऑल ओवर योर हेयर्स अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद 30 टू 40 मिनट्स वेट कीजिए एंड उसको धो डालिए। तब क्या होगा, आप अपने बालों को स्मूथ भी पाएंगे एंड सब रंग भी उतर जाएगा अपने बालों से। अब सेकंड पॉइंट आ गया रिमूव कलर फ्रॉम योर स्किन। अब आप लोग मॉइस्चराइजर हो या फिर कोकोनट ऑयल हो अप्लाई करके गए थे, लेकिन स्किन पे अब तो कलर आ गया है, उसको अब हटाए कैसे? मतलब हट तो जाएगा लेकिन एकदम प्रोमिनेंटली कैसे हटेगा? इसके लिए आप लोग कोकोनट ऑयल लीजिए या फिर एलोवेरा जेल लीजिए, एक कॉटन लीजिए या फिर कॉटन क्लोथ लीजिए, फिर कोकोनट ऑयल से या फिर एलोवेरा जेल से उस कॉटन को अच्छे से भिगोइए। भिगोने के बाद जहाँ पर आपका रंग लगा है वहाँ पर जेंटल मसाज कीजिए, धीरे 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 वहाँ से रंग हट जाएगा एंड आपका स्किन एज इट इज नॉर्मल हो जाएगा। अब थर्ड पॉइंट आ गया हाउ टू रिमूव कलर फ्रॉम योर फेस। अब ये एक प्रॉब्लम होता है जब आप लोग होली खेलते हैं एंड उसके बाद मतलब करीब 1 महीना 1.5 महीना रंग आपके चेहरे पर रह जाता है। अब उसको कैसे ओवरकम करें, उसके लिए
आप एलोवेरा फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगेन 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 मैं एक होम रेमेडी बता दूँ जो आप लोग इजीली यूज़ कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लगेगा टर्मरिक और बेसन, टर्मरिक मतलब हल्दी और बेसन, उसको मिलाकर एक फेस पैक, फेस मास्क आप जो भी कहो रेडी कर लो। देन पहले आपके मुंह पे जितना होली लगा है मतलब कलर लगा है उसको ड्राई क्लोथ से पहले उतार लीजिए। उसके बाद वो जो आप फेस मास्क रेडी किए हो उसको ऑल ओवर योर फेस अप्लाई कर लें। देन 45 मिनट्स टू 1 आवर उसको छोड़ दीजिए। आफ्टर दैट आप ऑयल लीजिए, मस्टर्ड ऑयल भी हो सकता है, कोकोनट ऑयल भी हो सकता है। ऑयल को लेकर ऑल ओवर फेस जो आप फेस पैक लगा के बैठे हैं उसके ऊपर ऑयल लेकर जेंटल मसाज कीजिए। उससे क्या होगा, आपका जो कलर है वो निकल के आ जाएगा। जब आपके पूरे फेस से फेस पैक उतर जाए तब ठंडे पानी से नहा लीजिए एंड रंग फिर उतर जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक प्रो टिप ऐड कर देता हूँ कि जब आप लोग सुबह उठेंगे एंड होली खेलने के लिए निकलेंगे उससे पहले आप ठंडे पानी से ना नहाइए, गर्म पानी से नहा के फिर होली खेलने जाइए। उससे क्या होगा, जो जो मैंने रेमेडीज कहा है होली खेलने से पहले हो या फिर बाद में हो, बेटर काम करेगा। तो सुबह उठ के गर्म पानी से नहाना है एंड उसके बाद खेलने जाना है। खेल के आने के बाद ये सब रेमेडीज अप्लाई करके ठंडे पानी से नहा के एंड देयर यू गो, क्लीन एंड क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया, यूजफुल लगा, हेल्पफुल लगा, तो लाइक शेयर करना मत भूलना। And if you are new to my channel, then make sure to subscribe my YouTube channel and hit the bell icon for more updates. And wishing you all a very happy Holi. Enjoy with your family and friends. So, milta next video mein, till then, your boy Reed signing off.